52 क्वेश्चन कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अब बोर्ड पे देख लो, जिनका मैच हो गया वो भी, जिनका मैच नहीं हुआ वो भी टैली कर लेना। रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द शंकर स्पोर्ट्स क्लब गिव द बिलो फॉलो इन्फॉर्मेशन ऑफ 31 मार्च 2019। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस 2600, कैश का बैलेंस है 2600। इसके बाद एंट्रेंस फी इनकम है नॉर्मल, नॉर्मल इनकम है 3200। इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक है, फॉर बिल्डिंग और डोनेशन फॉर बिल्डिंग है हमारा 23000। मैं इनसाइड में लिख रहा हूं, क्या पता एक्सपेंस आ जाए। लॉकर रेंट नॉर्मल इनकम, लेकिन नीचे ना इंफॉर्मेशन एक बार मैं आउटस्टैंडिंग पढ़ लेता हूँ जो एडिशनल है। सब्सक्रिप्शन के बारे में कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक और पोस्टेड स्टैंप, यहाँ से कंजम्पशन निकलेगा। रेंट के बारे में बोल रहा है रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, स्टिल अनपेड, क्लब ऑन फर्नीचर, यानी लॉकर रेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और एक लोन के बारे में बता रहा है, लॉकर रेंट और लॉकर रेंट है हमारा 1200 रुपए। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी है, और ये लाइफ मेंबरशिप फी है 7000। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम है, एंटरटेनमेंट 3000, सब्सक्रिप्शन 40000, टोटल है ये सब्सक्रिप्शन, इसमें से एडलेस करना होगा। पेमेंट में रेंट, इस पे एडजस्टमेंट मैंने देखा था इसलिए मैं इसे इनसाइड लिखूंगा 18000। इसके बाद वेजेस, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है और वेजेस है 7000। वेजेस के बाद है बिलियार्ड टेबल, एसेट्स होता है ये बिलियार्ड टेबल, एसेट्स में लिखेंगे जैसे कैरम बोर्ड होता है, काइंड ऑफ इसी तरीके का होता है हमारा। बिलियार्ड टेबल 14000। इसके बाद फर्नीचर, ये भी क्लोजिंग में जाएगा और फर्नीचर 10000 इनसाइड में लिख देते हैं हम। इसके बाद इंटरेस्ट 2000 इनकम है, 2000। इसके बाद पोस्टेज, इसको लिख तो रहा हूं मैं, इंटरेस्ट यहां आएगा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट जो है मेरा 2000 इनसाइड में लिख रहा हूं। इसके बाद पोस्टेज, इसको भी बाद में करेंगे, स्टार बना दिया। सैलरी, क्या सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। सैलरी 24000 सैलरी किसका नीचे? अच्छा ठीक, आगे देखते हैं। सैलरी के बाद कैश इन हैंड क्लोजिंग और ये आ गया 4000। अब एडजस्टमेंट एक एक करके देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200 एंड 2300 31 मार्च 2019 प्लस कर दो 2300।
आगे कहता है क्वेश्चन में ओपनिंग, वो तो बाद अलग बात कर रहा है। एसेट्स में 1200 और एक यहां आ गया सब्सक्रिप्शन 2300। चलिए इसके बाद कहता है पोस्टेज जो है ओपनिंग में 300 और क्लोजिंग में 200, तो पोस्टेज तो एसेट्स हो गया, जब स्टॉक होगा तो एसेट्स होगा 200 और पोस्टेज 300। इसका जैसे स्टेशनरी अकाउंट स्टॉक बनाया था वो भी बना सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 300 पहले था और 200 बाद में, तो स्टार्टिंग में 300 था, खरीदा कितने का है 1000 का, टोटल हो गया 1300 का, और मैं कह रहा हूं 200 बच गए तो कितने खर्च कर दिए, 1100 आ गया पोस्टेज। ये देखो पोस्टेज कितने आ गया, 1100 रुपए का। इसके बाद आगे देखें पोस्टेज 1100 के बाद कहता है रेंट 1500 रिलेट टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और 1500 स्टिल अनपेड। इसका मतलब ऐड भी करो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और सॉरी माइनस करो और प्लस करो क्लोजिंग 1500 और 1500, नेट में तो 18,000 ही आएगा, लेकिन यहां पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1500 और आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। ऑन 1 अप्रैल 2000, इसके बाद कहता है ऑन 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल को यानी ओपनिंग में क्लब के पास फर्नीचर है 15,000, ये क्लोजिंग में भी जाएगा, ओपनिंग टोटल 25,000 रुपए का हो गया है। और इसके बाद कहता है सॉरी कहता है ओन्ड, देखो क्वेश्चन में कैसे ट्रिकी पॉइंट कहता है कि 1 अप्रैल 2018 को फर्नीचर 15 का था और लास्ट में 22,500 का है, यानी 22,500 का है तो इसका मतलब 2500 रुपए का क्या होगा, वो लिखना है हमें। चलिए आगे कहता है 31 मार्च 2019 के बाद द क्लब हैज अ लोन, लोन ले रखा है इसने 20,000 10%, और 1 अप्रैल को लोन है, लोन कितने का है हमारा 20,000 का, जब 20,000 का लोन 10% पर एनम है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट बनना चाहिए 2,000, क्या 2,000 पेमेंट किया है, बिल्कुल ठीक, अब इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने अंदर लिखा। मान लो पेमेंट 1,000 होता तो 1,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से मैं करके और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देता है यहां पे। इसके बाद लास्ट में भी लोन होगा, अभी खत्म तो हुआ नहीं, लोन 20,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, ईयर एंडेड 31 मार्च और लोन को लिया गया था 31 मार्च को, बस आगे और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हमें अब क्या करना है, टोटल इंफॉर्मेशन को करते हैं। ये क्या आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का टोटल 41,100 और एसेट्स डेफिसिट या सरप्लस, डेफिसिट टोटल बताएं इसका 54,600 बाय डेफिसिट 6,000, और यहां माइनस कर देंगे, लेकिन यहां भी डेफिसिट ही आ रहा है, वैसे होता नहीं नॉर्मली, फिर भी अब कैपिटल फंड, अब क्या करते हैं हम, दोनों माइनस में है तो प्लस में अगर हमारा कैपिटल फंड होता तो मैं तो इधर माइनस कर देता, आपके पास दोनों ऑप्शन है, डेफिसिट इधर दिखा दो और लेकिन माइनस में हो जाएगा, लेकिन हम इधर ही लिखाते हैं कैपिटल 2400 और प्लस डेफिसिट 6100 8500। अब ये टोटल कर देते हैं, इस पे भी कुछ नहीं हुआ, 30,000 दो 30 और 20 50 51,500 नहीं यही आ रहा, और 51,500
टोटल कर लो। अब बताओ कहाँ पे एरर कर रखा था और क्या पॉइंट था आपका? अभी जो मैच नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने एक्स्ट्रा डाल दिया था। और किसी का कोई डाउट? सबका आ गया था आंसर? अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे आप सब? अभी तो